रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट एंड सिंपल कुकिंग सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? और सुनाएं, आज हम बना रहे हैं घर में चटनियाँ। दो चटनी मैं आपको बताऊंगी दही बलों के लिए। दही बड़े जो बाजार से लेते हैं उसके हम घर में चटनियाँ तैयार करेंगे। एक हम बताऊंगी ग्रीन चटनी और एक खट्टी मीठी चटनी, दोनों की रेसिपीज मैं आज आपको बताऊंगी। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान है, घर में बन जाती हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले लिए, हमने थोड़े से चौथा हिस्सा प्याज लिए हैं, बारीक बारीक हमने कट कर लिए हैं। उसके बाद हमने दो जो लिए हैं लहसुन के, ये हमने लिया धनिया और पुदीना। धनिया हमने ज़्यादा लिया, पुदीना चौथा हिस्सा लिया। ये हमने ग्रीन मिर्चें ली हैं तीन बड़ी साइज़ की। ये मैंने काला नमक और जो दूसरा सादा हमारे घर का नमक होता है वो मिक्स कर लिया, हाफ टी स्पून ये हमारे पास नमक है। ये मैंने आधा ग्लास पानी लिया जिसमें हम बाजार की चटनी तैयार करेंगे, जैसे बिल्कुल बाजार जैसे दही बलों की हम चटनी तैयार करेंगे। सबसे पहले अब हम सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे मशीन के अंदर। धनिया पुदीना और हरी मिर्चें हमें डाल देंगे, उसके अंदर प्याज डाल देंगे थोड़े से, ये दो जो लहसुन के डाल देंगे। ये हमने जो नमक लिया काला नमक और सादा नमक मिक्स करके हाफ टी स्पून वो हम डाल देंगे इसके अंदर। और ये जो हमने आधा ग्लास पानी लिया ये हम डाल देंगे बस। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमारी जो हरी चटनी है जो दही बड़ों की वो देखें फुल अच्छे से रेडी हो चुकी है, ये देखें। और ये आप घर में देखो कितने आसानी तरीके से बन गए। पानी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, मिर्चें भी आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी तेज़ डाली, मुझे ज़्यादा तेज़ पसंद है। चले मैं दूसरी जल्दी से चटनी आपके लिए तैयार करती हूँ। हमने हरी चटनी तैयार कर ली, अब हम दूसरी चटनी तैयार करते हैं, खट्टी मीठी चटनी जो हम दही बड़ों पे डालते हैं, दही बड़ों पे बाजार वाली। ये मैंने लिए इमली ली थी, हाफ कप इमली ली थी, उसे मैंने एक कप पानी के अंदर नीम गर्म पानी के अंदर भिगो के रख दिया था तकरीबन दो घंटे पहले। हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। हमने जो इमली का पानी है उन्हें अच्छे से पानी को स्ट्रेन कर लिया। इमली के पानी को आप बाकी हम सारे इंग्रीडियंट्स ऐड करेंगे, इंग्रीडियंट्स बाकी सारे घर वाले हैं। हमने देखिए हाफ टी स्पून हमें नमक लिया वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च लिया है, रेड चिली फ्लेक्स लिया है हमने वो ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हमने लिया काली मिर्च लिया ब्लैक पेपर वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इमली के पानी के अंदर। अब ये हमारे पास है कॉर्नफ्लोर, ये कॉर्नफ्लोर है। और ये हमने शुगर लिया चीनी लिया, इनको जब हम पकने का काम प्रोसेस करेंगे तब डालेंगे। और ये सिर्फ ये देख लें हमने चौथा एक ग्लास का 1/4 लिया है हम, वो इसके अंदर पानी ऐड करेंगे पकने के बाद। उसके अंदर ये जो हमने देखे पानी डाला था उसे हम डालेंगे। अब इस पानी के अंदर हम ऐड करेंगे चीनी, 2 टीस्पून हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे क्योंकि हमने खट्टी मीठी इमली बनानी है, इस वजह से 2 टीस्पून। अब इसे तब तक अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये चीनी फूल अच्छे से हल ना हो जाए और एक प्यारा सा कलर ना आ जाए। इसे हम हलाते रहेंगे अच्छे से। हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है इसके अंदर, देखें बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। अब इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर क्या करता है, थिक करता है। हमने 1 टीस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, कॉर्नफ्लोर का काम है इसे थिक करना, ये थिक करेगा इसे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे खट्टी मीठी जो इमली है वो देखिए, इमली की चटनी है वो फुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितना गाढ़ी बनी है वो अच्छे से। अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे दही बलों में सर्व कर लेंगे। अगर वीडियो में कुछ ना समझ आए, क्योंकि आज हम छत पे आके मैं अपने छत वाले चूल्हे पे बना रही हूँ, बिकॉज़ नीचे जो है मेहमान आए हुए हैं तो वहाँ पे एक और कुकिंग हो रही थी, इस वजह से मैं ऊपर आ गई लेके। ओके तो ये देखें हमारी दोनों चटनियाँ जो हमने दही बलों के लिए बनाई थी देखें वो रेडी होगी, खट्टी मीठी चटनी और हरी चटनी ग्रीन चटनी जो बाजार से मिलती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।